देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज में खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के छिबरामऊ में एक सप्ताह पहले नादनपुर रामपुरा के पास नहर की खांदी कटने से करीब 200 एकड़ फसल खेतों में पानी भरने से खराब हो गई थी। सोमवार को किसानों ने SDM को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की और मुआवजा न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। चंदौसी में बकाया गन्ना भुगतान न मिलने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदारी नहीं होने से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होने जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता आज भड़क गए। किसानों ने मंडी समिति में सभा कर रेलवे स्टेशन की ओर कूच किया। हालांकि इसी के साथ यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए किसानों ने ट्रेन रोककर यात्रियों को गन्ने बांटे। कुरुक्षेत्र में कड़ी मेहनत से गेहूं व सरसों सहित अन्य फसलों को तैयार कर रहे किसानों को भविष्य में इन्हें मंडियों में बेचना आसान नहीं होगा। इसके लिए उन्हें सरकारी तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसमें किसान से लेकर जमीन, फसल व बैंक खाते का भी विवरण दर्ज कराना होगा। ऐसा ना कराने पर किसान की फसल नहीं बिक पाएगी। प्रदेश सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है और वर्तमान फसल पर ही इसे लागू कर दिया गया है, जिसके लिए 31 जनवरी तक हर किसान को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। केंद्र में सत्तासीन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली BJP सरकार द्वारा कथित तौर पर मजदूरों के खिलाफ दमनकारी नीति लाने के विरोध में 8 और 9 जनवरी को सेंट्रल ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाए गए 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का देश भर के किसान वाम दलों के किसान विंग के तत्वावधान में समर्थन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के गांव जसोई में भारतीय किसान यूनियन द्वारा आयोजित बैठक में किसान समस्याओं का समाधान नहीं होने पर 11 जनवरी को धौरा स्टैंड पर किसानों के चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। भारतीय किसान यूनियन ने इससे संबंधित ज्ञापन भी तेतावी मिल प्रबंधक को सौंप दिया है। किसान बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। हल्ला और शोरगुल वाली खबरों से दूर रहने के लिए आप बने रहिए ग्रामीण न्यूज के साथ। नमस्कार। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।